जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रांच पे। तो साथियों, रेलवे की अप्रेंटिसशिप की भर्ती लगातार हर साल साल जो है निकलते रहती है, जिसका कि हम अपने चैनल पे अपडेट देते हैं कि जो है इस जोन से आई हुई है रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती, चाहे तमाम जितनी भी भर्तियां आती हैं रेलवे से जुड़ी हुई या फिर इंपॉर्टेंट अप्रेंटिस या जॉब अपडेट आपको चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि RWF, ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री से एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली थी, उसका मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी किया गया है, जिसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये 21/1/2023, ठीक है, 21 जनवरी को ये रेल व्हील फैक्ट्री से वैकेंसी रिलीज किया गया था, जहाँ की टोटल देखिएगा तो 192 पोस्ट के लिए, ठीक है, 192 पोस्ट के लिए, और सेशन कौन सा, तो 22/23 के लिए निकाला गया था, जहाँ की देखिए फीटर का 85, मशीनिस्ट 31, फिर MMV का देखिए 8, टर्नर 5, CNC 23, इलेक्ट्रिशियन 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 22 टोटल वैकेंसी इस तरह से निकाले गए थे, जिसमें कि आप देखोगे कि 12,261 रुपया जो है आपको पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाने वाला है। तो जो भी साथियों ने फॉर्म फिलअप किया था, उनका अभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरिट जो बनाया गया है ये आप लोगों का किस आधार पर बनाया गया है, तो आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया था अपने 10th में, ठीक है, जो भी आपने देखिए यहाँ दिया गया है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय दिस बाय कैंडिडेट इन 10th और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% वेटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि जो भी साथी का मतलब जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो उनका 10th के बेसिस पे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली उनका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं कि जो मेरिट जो आया हुआ है इसके बारे में देखिए। तो ये हो गया आप लोगों का मेरिट लिस्ट। ये आपको ये PDF मिलेगा कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आप लोगों को जो हमारा जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो कि जैक टाइम्स है, हमारा ही एक जो है विंग है, हमारा ही ब्रांच है जैक टाइम्स, यहाँ आप लोग जो है यहाँ पे आपको आ जाना है। सिंपल है, देखिए साथियों यहाँ पे ITI न्यू जॉब एंड अप्रेंटिस वाले सेक्शन पे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह से पोस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिस 2023 नई मेरिट लिस्ट, यहाँ पर नीचे आपको बढ़ना है। नीचे बढ़ने के बाद देखिए मेरिट लिस्ट यहाँ पे सेक्शन में क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको PDF ये वाला मिल जाएगा अवेलेबल, ठीक है। तो चलिए PDF देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं साथियों। तो कि यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप हुआ था ना, उसमें एक कंडीशन लगाया गया था कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, वो जो है आपका कर्नाटक स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, ठीक है। उनका देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है कर्नाटक से उनका होना चाहिए क्या, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर जो कि रेलवे एम्प्लॉई के जो बच्चे हैं उनका ही, वो वही लोग सिर्फ फॉर्म भर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए फीटर का जो है लिस्ट है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे अगेंस्ट UR स्लॉट, यहाँ पे होगा क्या मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट इनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे ये जो कैंडिडेट इनका नाम है अनरिजर्व, इनका मार्क्स देखिए 68.40, इस तरह से ये पूरा लिस्ट दिया गया है। और फिर यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे नीचे देखिए इस तरह से बढ़ते चलिए, मशीनिस्ट हो गया, इस सभी का यहाँ पे टर्नर और सब कुछ दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन का देखिए यहाँ पे दिया गया है 683 ऐसा करके जो है गया है कट ऑफ। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन तो देखिए मेरिट यहाँ पे दिया गया है 80/68 इस तरह करके सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे बढ़िएगा तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी कर्नाटक में जो कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स उनका यहाँ पे लिस्ट में नाम है। और यहाँ पे देखिए आप लोग को जो है अभी इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, DV होगा। और DV के लिए देखिए यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं की गई हैं, अभी हो सकता है इसमें न्यू नोटिस फिर से आएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लेके क्या क्या जाना है, तो आपको देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th का ITI पास सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ दिया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखिए ITI का जो है मार्कशीट, जिसको कि आप लोग जो है काउंसिलेटर मार्कशीट कहते हैं, वो ले लीजिएगा। साथ में आप लोग का NTC सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, फिर 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वो ले लेना है आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेना है प्रिस्क्राइब्ड जो कि रेलवे के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वो ले लेना है। और फिर जो है जो देखिए रेलवे एम्प्लॉई के जो बच्चे हैं वो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेंगे, जो कि परफॉर्मा जो है नोटिफिकेशन इसमें आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ नीचे बढ़िएगा, देखिए यहाँ नीचे बढ़िएगा तो आपको वो परफॉर्मा मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया ये परफॉर्मा, आपको इसको प्रिंट करा लेना है और फिर बनवा करके ले जाना है, ठीक है।
तो ये चीजें ऐसे यहाँ भी आप देख लीजिए क्या क्या आपको लेना, चेकलिस्ट में यहाँ दिया गया है। ये नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ है, ठीक है। नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आपको बता देते हैं कैसे डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मेरा जो ये आपका वेबसाइट है, इसी में जो आपको बताया मेरिट लिस्ट जहाँ डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पर देखिए नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी यहाँ पर लिंक है। इस पर भी क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो जैसे क्लिक करने के बाद आपको फिर ये वाला जो है पीडीएफ खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सब कुछ आप मार्क कर लीजिए, मेट्रिकुलेशन का, ITI का, NTC सर्टिफिकेट, फोटो अटेस्टेड पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें आप लोग को लेकर के जाना है। और जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके ज्वाइनिंग करके आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और ट्रेनिंग भी मिलेगा, ठीक है। सर ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगली अपडेट में जो भी आएगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रेलवे से जितनी भी अप्रेंटिस से जुड़ी अपडेट होती है सभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जितनी भी भर्ती आती है उन सभी का अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स भी आप तक मिल सकें। थैंक यू सो मच।